परवल को आज तक ना आपने कई अलग अलग तरीके से बनाया होगा और ढेरों सारी रेसिपीज भी हैं परवल की, अलग अलग तरीके की रेसिपी है। लेकिन आज ना मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे शायद ही आज तक आपने ट्राई किया होगा। आज मैं परवल से आपके साथ एक मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है। बंगाल की फेमस मिठाइयों में से ना ये एक परवल की मिठाई भी बहुत फेमस है बंगाल में, जिसे कि बंगाली लोग बड़े चाव से खाते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा लगता भी है, जो भी एक बार खाए वो बार बार इसे खाना चाहेगा। तो आज मैं इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए ना मार्केट में जो लंबे वाले परवल आते हैं ना, उस परवल को हमें लेना है। इससे मिठाई देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, इसलिए हम लंबे वाले परवल को लेंगे। आप चाहें तो छोटे वाले परवल से भी बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना है कि मिठाई बनाने के लिए हमें बिल्कुल फ्रेश परवल चाहिए, सूखा हुआ परवल बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सबसे पहले परवल को धोकर हमें इसे सुखा लेना है और इसके बाद इसका छिलका हटाएंगे। आलू छीलने वाला जो कटर आता है ना, उस कटर से हमें इसका ऊपर वाला हिस्सा हटा देना है, जिससे कि परवल का जो हार्ड वाला हिस्सा होता है वो हट जाए और परवल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे ना बीच से इस तरह से काट लेंगे और इसके बाद इसके बीच का बीज जो होता है ना, वो बीज हमें हटा देना है। चम्मच की मदद से हटाएंगे जिससे कि आसानी से निकल जाएगा। एक एक करके हम सभी परवल के बीज को निकाल लेंगे। देखिए परवल बिल्कुल अंदर से खाली हो गया है और अब जो इसका बीज है ना, इस बीज को हमें फेंकना नहीं है। जब भी हम परवल वगैरह की सब्जी बनाएंगे ना, फिर उसमें बीज का इस्तेमाल कर लेंगे तो बीज वेस्ट नहीं होगा। अभी हमें यहाँ एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करना है, साथ ही मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। तो 4-5 बूंद के करीब मैं इसमें ग्रीन फूड कलर डाली हूँ और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसे 3 से 4 मिनट तक परवल डालकर उबाल लेंगे। सॉरी, 3-4 मिनट तक नहीं, 1 से 1.5 मिनट तक, क्योंकि 3-4 मिनट जब हम इसे उबालेंगे तो ये पूरी तरह से गल जाएगा। तो 3-4 मिनट नहीं, ध्यान दीजिएगा, 1 से 1.5 मिनट हमें इसे उबालना है, इससे ज्यादा नहीं उबालेंगे। तो देखिए 1.5 मिनट के अंदर ये अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इसे फटाफट से गर्म पानी से निकाल लेते हैं, जिससे कि ये परवल जो है ये ओवर कुक ना हो। और उसके बाद ना इस पतीले को हटा लेंगे और इसी बर्नर पर हम रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी के करीब चीनी और साथ ही 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी मैं वही फूड कलर वाला यूज कर रही हूँ। तो यहाँ ना मुझे थोड़ी देर के बाद समझ आया कि मैं अपना काम थोड़ा बढ़ा ली थी, क्योंकि हमें इस चाशनी में ना दोबारा से परवल को डालना ही है, तो हम अलग से इसे उबाले क्यों, मतलब क्या ही बताऊं मेरी बेवकूफी का। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाने वाले हैं ना, तो अलग से आपको इसे उबालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और गैस भी बचेगा, जो कि मैं एक्स्ट्रा खर्च कर चुकी थी। डायरेक्ट हम पटल को इसमें ही डाल देंगे, जिससे कि चाशनी के साथ ही अच्छे से उबल जाएगा। अब हमें इस चाशनी में एक एक करके सारे पटल को डाल लेना है और उसके बाद इसे 3-4 मिनट तक और हाई फ्लेम पर उबालेंगे, जब तक कि ये चाशनी थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। 3 से 4 मिनट के करीब ही हम इसे उबालेंगे। इससे ज्यादा उबालेंगे तो अगेन ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इसीलिए हमें इससे ज्यादा नहीं उबालना है। अब फटाफट से हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए इसमें कलर कितना सुंदर आया है। मैं इस चाशनी में भी फूड कलर डाली थी तो इसलिए इसका कलर काफी अच्छा आया है। तो अब ना हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ ली हूँ पनीर। ये घर का निकाला हुआ पनीर है। 1 kg के करीब दूध था जिसका मैंने पनीर बना लिया था और मेरे पास 150 ग्राम के करीब है ये खोया। खोया अगर आपके पास हो तो आप खोया से ही बनाएं, खोया से ये ज़्यादा अच्छा बनता है, ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन मेरे पास खोया नहीं था इसलिए मैं पनीर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो पनीर को मैं ग्रेटर से ग्रेट कर ली हूँ और साथ ही मैं खोए को भी इसी बाउल में ग्रेट कर ले रही हूँ, क्योंकि हमें दोनों को साथ में मिक्स करना है। तो ग्रेट करने से ये होगा ना कि फटाफट से ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये दोनों बहुत हार्ड है तो हमें इसका डो की तरह इसको सॉफ्ट बनाना है, तो इसलिए मैं इसे ग्रेट कर ले रही हूँ। और इसके बाद अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले गैस पर कढ़ाई और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी। घी जब गर्म हो जाए फिर हमें इसमें डाल देना है ये ग्रेटेड खोया और पनीर। अच्छा, मैंने ना इस रेसिपी में ढेर सारी गड़बड़ पे गड़बड़ कर दी है, लेकिन मैं आपको बताते जा रही हूँ कि क्या मैं गड़बड़ की हूँ और जो आपको नहीं करना है। सबसे पहले गड़बड़ की कढ़ाई मेरी बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी, गर्म नहीं करना है। गर्म होने से पहले ही हमें ये ग्रेटेड खोया और पनीर को डाल देना था। मुझसे गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा चिपकने लग गया था, जिसकी वजह से मुझे दूध डालना पड़ा जिससे कि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो आप ये गड़बड़ बिल्कुल भी मत करिएगा, कढ़ाई के गर्म होने से पहले सारा कुछ इसमें डाल दीजिएगा जिससे कि कढ़ाई में चिपके नहीं। तो यहाँ दूध डालने के बाद ना ये फटाफट से थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी।
चीनी स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिएगा, मीठा कितना आपको पसंद है उस हिसाब से आपको डालना है। मैं इसमें 3-4 चम्मच के करीब चीनी डाली हूँ और फिर हमें इसी तरह से इसे मिक्स करते हुए थोड़ा थिक कर लेना है। लगातार हम इसे लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते जाएंगे तो थोड़ी देर के अंदर ही ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। फिर हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है और एक दूसरे प्लेट में निकाल कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। 10 से 15 मिनट के अंदर खोया भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा और ये परवल तो ठंडा हो ही चुका है। तो देखिए परवल कितना सॉफ्ट और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। तो अब ना परवल को इस तरह से हम फैलाएंगे और उसके बाद ये खोए को इस तरह से लंबा करते हुए इस परवल में हमें डालकर इसे फिल कर लेना है। यहाँ ना आप बिल्कुल ध्यान देकर करिएगा क्योंकि परवल जो है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा भी खींचेगा या फिर टाइट होगा तो ये टूट सकता है। इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है और आराम आराम से इस फिलिंग को इसमें भरिएगा और फिर इसे इस तरह से दबाते हुए हमें पैक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ना मैं भरकर एक परवल तैयार कर ली हूँ। आपको बाकी सारे परवल को भी इसी तरह से फिल कर लेना है। सच बता रही हूँ ये मिठाई बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये परवल से बनी हुई मिठाई है। टेस्ट भी इसका बहुत शानदार आता है, परवल का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपने इस दिवाली इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। किसी के भी सामने अगर आप इस रेसिपी को सर्व करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये टेस्ट में भी काफी लाजवाब लगता है और देखने में तो काफी सुंदर लगता ही है। अच्छा इस रेसिपी को अगर आप ट्राई करते हैं ना तो आपको एक अलग सी खुशी होगी क्योंकि आज तक तो शायद आपने परवल से सब्जी वगैरह ही बनाया होगा। सब्जी की ढेर सारी अलग अलग रेसिपी ट्राई की होगी लेकिन शायद ही परवल की मिठाई भी ट्राई की होगी। तो अब इस दिवाली ना आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा तो अब देखिए मैंने ना सारे परवल में फिलिंग्स को भरकर रेडी कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा रही हूँ और साथ ही थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ जिससे कि देखने में ये सुंदर लगे। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, पिस्ता की जगह काजू बादाम भी डाल सकते हैं या नारियल भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है और ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। कोई भी इसे देख ले तो एक बार जरूर खाना चाहेगा। ये इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था देखने में और टेस्ट में भी वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, काफी टेस्टी बना। तो मेरी रिक्वेस्ट पर ना परवल की सब्जी बनाना छोड़िए और परवल से इस मिठाई को बनाइए, बहुत पसंद आएगा। अच्छा अब आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।